कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने सुजानपुर में एचटुडे के पत्रकार राजन मेहता के साथ बातचीत के दौरान बताया कि बीते एक सप्ताह तक चले अभियान के तहत सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 104 बूथों में 100 ऑक्सीमीटर मुहैया करवाए गए हैं ताकि लोग अपना ऑक्सीजन लेवल जांच सकें और कम होने की स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि मास्क अवश्य लगाकर रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि पार्टी के द्वारा भी ये आह्वान किया जा रहा है कि इस संकट की घड़ी में लोग अपने क्षेत्र में रहकर जरूरतमंदों की मदद करें। उन्होंने बताया कि लाखों रुपए के उपकरण विधायक राजेंद्र राणा के द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम होने की स्थिति में ऑक्सीजन भी दी जा सकती है। इसके अलावा तमाम उपकरण कोविड-19 के लिए सर्व कल्याणकारी संस्था के माध्यम से भी मुहैया करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उन्होंने बताया कि लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि जरूरतमंद परिवार की हर संभव सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए राणा परिवार संकट की घड़ी में कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा है और अगर किसी को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो उनसे संपर्क कर सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र राणा जी के निर्देश अनुसार हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी आदरणीय लेखराज ठाकुर जी, डॉक्टर अशोक राणा जी और हम सबकी जिम्मेवारी लगाई गई कि हम बूथ बूथ पर जाएं, अभियान छेड़ा और हर बूथ पर एक ऑक्सीमीटर दिया जाए ताकि जो ऑक्सीजन स्तर है लोगों का, जिसको कोई तकलीफ है या आम आदमी है, उसका ऑक्सीजन स्तर जांचा जा सके और अगर उसको कोई तकलीफ है तो समय आने पर उचित कदम उठाए जा सकें। दूसरी ओर उनको ये भी अवगत कराया गया, कोई भी ऐसा कोविड पेशेंट है जिसको कोई दवाई की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो हम उसे समय पर मुहैया करवा सकें। तीसरा, राणा जी ने अपनी संस्था की ओर से, अपनी ओर से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हैं इस समय उपलब्ध करवाए, ज़िले में उपलब्ध करवाए ताकि कोई भी ऐसा पेशेंट हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कोविड से संक्रमित हो, उसे ऑक्सीजन की कमी हो तो घर द्वार जो है वो उसके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाया जा सके। लाखों रुपए के जो उपकरण हैं उसे दिए जा सके ताकि इस कोविड महामारी से किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से जान ना जाए और किसी भी प्रकार की उसको कमी ना आए। इसलिए एक अभियान ये छेड़ा गया जो आज पूरा हुआ है कि हर बूथ पे 104 बूथों पर जाकर हमारे जो पदाधिकारी उनको अवगत कराया गया, इन सामग्रियों के बारे में अवगत कराया गया, ऑक्सीमीटर दिए गए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जानकारी दी गई। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए हम सबकी ड्यूटी लगाई गई और आज मुझे बड़ी खुशी है कि अभियान पूरा हुआ है और ये भी सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भविष्य में ऐसा कोई कोविड का केस आता है हमारे इलाके में कहीं पर भी, इसे किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे दवाई से रिलेटेड हो, वो ज़रूरत हम पूरी करें। सर, हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से नंबर भी जारी किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकता है, उस तक सामग्री पहुंचाई जा सकती है। दूसरा, बूथ बूथ पे जो हमारे पदाधिकारी हैं पार्टी के, संस्था के, उनको ये चीज़ों की जानकारी दी गई है ताकि गाँव स्तर पर भी, चाहे जहाँ पर सोशल मीडिया नहीं है, अखबार नहीं पहुँच पा रहा है, उनको जो वहाँ पर जाकर जानकारी दें और कोई भी इस चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो हमें सीधे तौर पर संपर्क कर सकें।